नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 जनवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने सुनी लोगों की फरियाद, अब घर पहुंचकर बिहार सरकार कराएगी जरूरी काम। राज्य के सभी महिला थाने होंगे सुविधाओं से लैस। जेईई मेन परीक्षा बिहार के इन जिलों में होगी आयोजित। टीम इंडिया ने एक मैच में बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड्स। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। LIC ने 300 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के कुल मिलाकर 300 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट LICIndia.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने सुनी लोगों की फरियाद। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार देश रत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री के द्वारा कुल 42 लोगों की फरियाद सुनी गई और उसका समाधान निकाला गया। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग समेत अन्य विभाग से जुड़े फरियादी अपना फरियाद लेकर पहुंचे थे। इसमें से रोहतास जिले के आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि मेरे द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया गया था, लेकिन अब तक उसका बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को इस मामले पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं दूसरे फरियादी ने कहा कि उसके पंचायत में लगभग 2 किलोमीटर रास्ते का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इसके संबंधित विभाग को इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस तरह के कुल 42 मामले नीतीश कुमार के सामने आए, जिनका उन्होंने समाधान निकालने की कोशिश की। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे कृष्ण सिंह के बारे में। कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तथा अधिवक्ता थे। ये बिहार केसरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ वे भी आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। ये 1937 में केंद्रीय असेंबली के और 1937 में ही बिहार असेंबली के सदस्य चुने गए। 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में यह बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने सिंह को बिहार का प्रथम सत्याग्रही नियुक्त किया था। 1946 में कृष्ण सिंह फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1961 तक मृत्यु पर्यंत इस पद पर बने रहे। इनके कार्यकाल में बिहार में महत्व के अनेक कार्य हुए। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, सिंदरी का खाद्य कारखाना, बरौनी का तेल शोधक कारखाना, मोकाना में गंगा पर पुल इनमें से विशेष उल्लेखनीय है। अब घर पहुंचकर बिहार सरकार कराएगी जरूरी काम। बिहार सरकार के द्वारा लोगों को बड़ी सहूलियत पहुंचाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से सूबे के शहरी निकायों में दी जाने वाली तमाम सेवाओं की डिलीवरी आसान बनाने की तैयारी की जाएगी। बता दें कि इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा जल्द ही एक सॉफ्टवेयर उपयोग लॉन्च किया जाएगा। यह सॉफ्टवेयर नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के तहत तैयार किया जाएगा, जिसके बाद शहरी सुविधाओं को पाने के लिए लोगों को बार बार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सॉफ्टवेयर उपयोग का उद्देश्य शहरी प्रशासन की व्यवस्था को डिजिटल करना और आम लोगों को तकनीक की सुविधा देना है। इस काम को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा कैसे हुआ नेपाल विमान हादसा। रविवार को पोखरा में हुए विमान दुर्घटना में कुल 72 लोगों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि अभी तक इस घटना में 68 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हो गई है। वहीं इस दुर्घटना को लेकर काठमांडू में हवाई अड्डे के अधिकारी शेरबाथ ठाकुर के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिला है, जिससे अब यह पता लगाना आसान होगा कि हादसा कैसे घटित हुआ। वहीं इस घटना को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के द्वारा आपातकाल बैठक बुलाई गई थी और इसके साथ ही देश के गृह मंत्रालय, सुरक्षा कर्मियों और सभी सरकारी एजेंसियों को तत्काल बचाव और राहत अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। जेईई मेन परीक्षा बिहार के इन जिलों में होगी आयोजित। जेईई मेन पहले चरण की परीक्षा की शुरुआत 24 जनवरी से शुरू हो रही है, जो कि 31 जनवरी तक चलेगी।
बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए दूसरे राज्य के अलावा बिहार राज्य के 30 जिलों को चुना गया है। उनमें पटना, अररिया, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, बांका, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, बेतिया, कैमूर, भभुआ, भागलपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, वैशाली, हाजीपुर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्णिया, समस्तीपुर, रोहतास, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल जिला शामिल है। पटना से दुबई के लिए शुरू होगी वन स्टॉप विमान सेवा। स्पाइसजेट की ओर से पटना से दुबई के लिए वन स्टॉप विमान सेवा शुरू करने जा रही है। बता दें कि इसकी शुरुआत 20 जनवरी से हो रही है। बता दें कि स्पाइसजेट अमृतसर के लिए भी अपनी विमान सेवा शुरू करने वाली है। वहीं इसके अलावा भारत के 6 और शहरों के लिए अपनी वन स्टॉप विमान सेवा शुरू करने वाली है, जिनमें जैसलमेर, खजुराहो, सिरडी, जयपुर, गोवा और श्रीनगर शामिल है। इनमें दुबई जाने वाली विमान की सेवा शनिवार को छोड़कर रोजाना दी जाएगी और श्रीनगर की रविवार को छोड़कर रोजाना चलेगी। वही अन्य फ्लाइटें हर दिन आएंगी और जाएंगी। मालूम हो कि दुबई के लिए वन स्टॉप विमान सेवा शुरू होने से दुबई जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। राज्य के सभी महिला थाने होंगे सुविधाओं से लैस। पुलिस मुख्यालय के द्वारा राज्य के सभी 40 महिला थानों को मूलभूत सुविधाओं से लैस करवाने के लिए समीक्षा शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस वर्ष इन सभी थानों को 2-2 वाहन मिलेंगे और साथ ही जिस महिला थाना में थाना प्रभारी महिला पदाधिकारी नहीं होंगी, वहां हर हाल में महिला थाना प्रभारी की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा आने वाले समय में सभी थानों में महिला बटालियन की आधी टुकड़ी की भी तैनाती की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 40 महिला थानों में से 22 थानों के भवन निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, तो वही 18 थानों का भवन निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। इसके साथ ही महिला थानों में शौचालय, पेयजल, बैठक समेत अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तेज पछुआ हवा से फिर कांपेगा बिहार। बिहार में लोगों को थोड़ी ठंड से राहत मिली है, लेकिन अब एक बार फिर से तेज पछुआ हवा से पारा लुढ़का और ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विज्ञानी की माने तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में भारी हिमपात के कारण प्रदेश के मौसम पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगले 3 दिनों के दौरान दिन व रात के तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से कई जिले शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। वहीं कोहरे की चादर में पूरा प्रदेश लिपटा रहेगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी दिया है। उत्तर पश्चिम आर्कटिक से ठंडी जेट स्ट्रीम दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवेश कर रही है। बर्फीली हवाओं की वजह से धूप का असर कम होगा, वातावरण में नमी रहेगी, जिसके कारण दिन के साथ रात के तापमान में भी गिरावट होगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली के लिए बिहार सरकार ने बनाया ये प्लान। बिहार सरकार के द्वारा उन नक्सलियों के लिए प्लान बनाया गया है जो खुद को आत्मसमर्पण कर देते हैं। बता दें कि योजना के तहत अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को बिहार सरकार रोजगार मुहैया कराएगी और उन्हें सुरक्षा गार्ड या वाहन चालक जैसी नौकरियां देने पर विचार करेंगी। इसके लिए पिछले दिनों गृह विभाग में अधिकारियों के द्वारा एक बैठक भी आयोजित की गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के इस योजना से नौहट्टा, रोहतास, शिवसागर, राजपुर, छिनाड़ी थाना क्षेत्र के उन नक्सलियों को काफी राहत मिलेगी जिन्हें आत्मसमर्पण करने के बाद रोजगार का कोई साधन नहीं पता है। मालूम हो कि नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराने का यह अभियान वर्ष 2008 से चल रहा है। लंपी स्किन वायरस को लेकर कई जिले रेड जोन घोषित। बिहार में लंपी वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पशुपालन निदेशालय के द्वारा आदेश जारी कर यह कहा गया है कि राज्य में दूसरे राज्य से आने वाले पशुओं को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा और उसके बाद ही उन्हें दूसरे पशुओं के साथ रखा जाएगा। बता दें कि हाल ही में बिहार के कैमूर में इस वायरस के कारण 2 गायों की मौत हो गई है, जिसकी वजह से राज्य के कुछ जिलों को रेड जोन में रख दिया गया है। बता दें कि जिन जिलों को रेड जोन में रखा गया है उनमें बक्सर, कैमूर, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, नालंदा, गया, नवादा, शेखपुरा और जहानाबाद शामिल है। इतने लोगों का मुफ्त में होगा मोतियाबिंद का इलाज। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा घोषणा करते हुए यह जानकारी दी गई थी कि फरवरी मार्च में लाखों लोगों का मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन करवाया जाएगा। बता दें कि स्वास्थ्य सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दी गई है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अधिक से अधिक लोगों का ऑपरेशन करने का योजना बना लिया गया है। इसके लिए विभाग के द्वारा जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों से आधारभूत संरचना का ब्यौरा मांगा गया है। वहीं अब इस बारे में आगे की रणनीति 19 जनवरी को तय की जाएगी और यह निर्णय लिया जाएगा कि 1 लाख से अधिक लोगों का ऑपरेशन कैसे किया जाए।
उद्योग लगाने के लिए 10 लाख तक का लोन देती है बिहार सरकार, ऐसे करे आवेदन। बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सरकार का उद्देश्य व्यवसाय स्थापित करने में मदद करना है, जिससे राज्य में बेरोजगारी दर कम हो सके। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन 0% ब्याज दर के साथ मुहैया कराया जाता है। वहीं इस लोन के बदले लाभार्थियों को केवल 5 लाख रुपए 84 किस्तों में सरकार को वापस करने पड़ते हैं। इस योजना में आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्ति या पार्टनर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि इसमें आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिसकी जानकारी आप वेबसाइट से ले सकते हैं। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे इको पार्क के बारे में। राजधानी वाटिका, जिसे इको पार्क के रूप में भी जाना जाता है, पटना बिहार में स्ट्रैंड रोड पर स्थित एक पार्क है। पर्यावरण और वन विभाग बिहार की एक पहल के बाद इस पार्क का उद्घाटन अक्टूबर 2011 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। इस क्षेत्र में 1445 मीटर का मार्ग, एक बच्चों का कोना और 1191 मीटर का जॉगिंग ट्रैक है। इसे पटना चिड़ियाघर के भार को कम करने के लिए विकसित किया गया है। पार्क 9.18 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है, जिसमें 2 झीलें शामिल है। हर महीने लगभग 90,000 से 1 लाख लोग आते हैं। सामान्य दिनों में औसत दैनिक आगंतुक संख्या 3,000 और 5,000 के बीच होती है। रविवार और विशेष दिन बड़ी संख्या को आकर्षित करते हैं। जनवरी 2014 को 42,350 आगंतुकों के साथ पार्क में अधिकतम संख्या में पर्यटक आए। आरजेडी ऑफिस में सुनवाई कार्यक्रम आज। 17 जनवरी यानी कि आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पहल पर आरजेडी की ओर से चल रहे सुनवाई कार्यक्रम आरजेडी ऑफिस में की जाएगी। बता दें कि आज के सुनवाई कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के मंत्री सुरेंद्र यादव और आपदा विभाग के मंत्री शाहनवाज आलम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और दोनों विभागों से जुड़ी समस्याओं को हल करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुनवाई कार्यक्रम में अपनी परेशानी को बताने के लिए सबसे पहले पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच उपस्थित होकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके बाद दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक दोनों मंत्री बारी बारी से समस्याओं को सुनेंगे और उस पर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश देंगे। बक्सर किसान आंदोलन में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। बीते दिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बक्सर के चौसा पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित किसानों के परिवार से मुलाकात की और साथ ही चौसा में किसान कमेटी से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन किसानों की समस्याओं को लेकर बक्सर में महापंचायत बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज एक ही दिन का समय है, अभी हम प्रयागराज में हैं, अगले महीने पूरे प्रोग्राम लगे हुए हैं। यहां पर किसानों की कमेटी से इसके लिए समय लेंगे कि कब पंचायत रखा जाएगा और इसके बाद एक पंचायत यहां रखी जाएगी, जिसमें हम 4 से 5 दिन तक यहीं रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बक्सर में किसानों के द्वारा दिए गए धरने प्रदर्शन का आज 93वां दिन है। बक्सर मामले पर खुलकर बोले पप्पू यादव, तेजस्वी यादव को दी नसीहत। बीते दिन सोमवार को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बक्सर जिले में जमीन अधिग्रहण मामले पर खुलकर बोला और साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नसीहत भी दे दी। उन्होंने कहा कि बक्सर में 6 लेन सड़क के निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण मामले में 70 से 75% का पैसा गबन किया गया है। मैंने प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, अपराध शाखा, भारत सरकार और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। इसके साथ बक्सर के तत्कालीन डीएम मुकेश के आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच भी करवाई जाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को महागठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए सुधाकर सिंह और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। जेडीयू सांसद ने महागठबंधन के नेताओं को दी नसीहत। जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा महागठबंधन के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा गया है कि महागठबंधन के सभी बयानवीर नेताओं को बचकर बयानबाजी करनी चाहिए और बिहार के विकास पर ध्यान देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बयानबाजी से सभी लोगों को बचना चाहिए और महागठबंधन ने जो बिहार के विकास का लक्ष्य रखा है, उसके लिए सभी को मिलजुल कर पूरा करने के लिए काम करना चाहिए, ताकि सरकार के द्वारा गरीबों की सेवा करने का लक्ष्य पूरा हो सके। बता दें कि वशिष्ठ नारायण के महागठबंधन को यह नसीहत तब दी गई जब शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान पर लगातार विपक्ष हमलावर है और महागठबंधन के नेता एक दूसरे की बातों का विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अग्निपथ के तहत शुरुआती टीमों में शामिल अग्निवीरों से किया संवाद। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीनों सेनाओं में भर्ती की अल्पकालिक योजना अग्निपथ के पहले बैच के अग्निवीरों से संवाद की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अवसर के माध्यम से वे जो अनुभव प्राप्त करेंगे, वह जीवन के लिए गर्व का स्रोत होगा। युवा अग्निवीर सशस्त्र बलों को अधिक युवा और टेक देवी बनाएंगे। उनके भावना सशस्त्र बलों की दर्शाती है, जिसने हमेशा राष्ट्र के झंडे को ऊंचा रखा है। उन्होंने कहा कि वह तीनों बलों में महिला अग्निवीरों को देखने के लिए उस
उत्सुक है। तकनीकी रूप से उन्नत सैनिक हमारे सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टीम इंडिया ने एक मैच में बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे के तीसरी मैच में भारत ने 5 बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। बता दें कि इस मैच में विराट कोहली ने 110 गेंदों पर 166 रनों की पारी को खेलते हुए भारतीय सरजमी पड़ी की स्वास्थ्य शतक लगाया और सचिन तेंदुलकर के 20 शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही विराट कोहली वनडे क्रिकेट में रन बनाने के लिहाज से महिला जयवर्धने से आगे निकल गए हैं। अब विराट के नाम 259 इनिंग में 12,754 रन है। विराट कोहली का श्रीलंका के खिलाफ 11वां शतक था जो किसी टीम के खिलाफ सर्वाधिक है। इसके साथ ही कोहली सबसे ज्यादा 9वां शतकीय पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट के नाम कुल 16 शतक हैं। इन सब के अलावा इस मैच में भारत ने श्रीलंका को 317 रन के बड़े अंतर से हराया और 300 या इससे ज्यादा रन से जीत दर्ज करने वाली टीम बनी। भारतीय इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। मुगल बादशाह अकबर ने 1601 को असीरगढ़ के अभेद किले में प्रवेश किया। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से जर्मनी के लिए 1941 में रवाना हुए। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव रणधीर सिंह ने अपने पद से 2009 में इस्तीफा दिया। 1888 में भारत के प्रसिद्ध निबंधकार, व्यंग्यकार और साहित्यकार बाबू गुलाब राय का जन्म हुआ। 1905 में भारतीय गणितज्ञ D.R. कापरेकर का जन्म हुआ। 1917 में अभिनेता तथा राजनेता M.G. रामचंद्रन का जन्म हुआ। 1923 में हिंदी साहित्यकार रांगेय राघव का जन्म हुआ। 1941 में प्रसिद्ध लेखक महावीर शरण जैन का जन्म हुआ। 1945 में हिंदी फिल्मों के गीतकार एवं पटकथा लेखक जावेद अख्तर का जन्म हुआ। असम के फिल्म निर्माता, प्रसिद्ध साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी ज्योति प्रसाद अग्रवाल का 1951 में निधन हुआ। मशहूर फिल्म अभिनेत्री सुचित्रा सेन का 2014 में निधन हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे पूर्व उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पूर्व उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यह दावा किया जा रहा है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ने उनके कार्यकाल के दौरान उनके पद से इस्तीफे की धमकी दी थी। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है, कृपया इस तरह के भ्रामक वीडियो साझा करने और उनके साथ बातचीत करने से बचें। गूगल मीट में अब यूजर स्लाइड प्रस्तुत करते समय देख सकेंगे स्पीकर नोट्स। टेक दिग्गज गूगल ने घोषणा की है कि वह एक नई सुविधा जोड़ रहा है जिससे उपयोगकर्ता गूगल स्लाइड पेश करते हुए गूगल मीट के भीतर अपने स्पीकर नोट्स देख सकेंगे। टेक जायंट ने वर्कस्पेस अपडेट ब्लॉग पोस्ट में कहा, उपयोगकर्ता को कॉल के भीतर अपने स्पीकर नोट्स प्रदर्शित करने के लिए मीट में स्लाइड कंट्रोल बार में नए स्पीकर नोट्स बटन पर क्लिक करना होगा। नई सुविधा के साथ उपयोगकर्ता अधिक आत्मविश्वास के साथ खुद को प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने दर्शकों के साथ नोट्स और स्लाइड के बीच स्विच किए बिना शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इस सुविधा का व्यवस्थापकीय नियंत्रण नहीं है और यह व्यक्तिगत गूगल खातों वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। रामचरितमानस पर हुए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस का बयान आया सामने। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष हमलावर है तो दूसरी ओर JDU का रुख भी RJD के खिलाफ दिख रहा है। वहीं अब इस कड़ी में कांग्रेस का भी बयान सामने आ गया है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के द्वारा कहा गया है कि रामायण में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श व्यक्तित्व था उसे सीखने समझने का मौका मिलता है। सब लोग उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं, बाकी अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई कुछ बोल रहा है, हम लोग को कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मेरा स्टैंड साफ है। मैं रामायण को हर व्यक्ति और हर घर से जुड़ा मानता हूं। BJP की ओर से शिक्षा मंत्री के इस्तीफा मांगने का कोई मतलब नहीं है। मुजफ्फरपुर के निर्देशक अभिषेक ढंडारिया की वेब सीरीज फिजिक्स वाला ने मचाई धूम। मुजफ्फरपुर के निर्देशक अभिषेक ढंडारिया की वेब सीरीज फिजिक्स वाला का अमेजन TV पर धूम मचा हुआ है। बता दें कि इस वेब सीरीज को दर्शकों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। यही वजह है कि यह सीरीज TV के हिंदी शो में फिलहाल चौथे स्थान पर चल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि 6 एपिसोड वाला यह सीरीज फिजिक्स टीचर अलक पांडे के जीवन पर बनाया गया है। वहीं इस फिल्म के निर्देशक अभिषेक ढंडारिया मुजफ्फरपुर के व्यवसायी पवन ढंडारिया के पुत्र है। यह उनकी पहली वेब सीरीज है। वही आने वाले समय में वह जल्द ही 2 और अन्य वेब सीरीज पर काम शुरू करने वाले हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, पंकज कुमार, नुसरत बनु, मृत्युंजय कुमार, रविशंकर, कुमारी संजना, नोनू गोलू कुमार, वेद प्रकाश सिंह, उमेश ऋषिदेव, अमन कुमार महतो, आकाश कुमार, मोहम्मद सालमन, अभिषेक कुमार रॉय, शंकर मुखिया, अतीक खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
हाल ही में समाप्त हुए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में आपके अनुसार किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।